इंडिया के लिए पहली बार मिस यूनिवर्स का टाइटल जीतने वाली सुष्मिता सेन ने कई बार अपने पेजेंट की कहानी लोगों के साथ शेयर किया है। एक बार सुष्मिता ने इस बात का खुलासा किया था कि उनकी पढ़ाई हिंदी मीडियम स्कूल से हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें पेजेंट कॉम्पिटिशन में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता था। सुष्मिता ने कहा था, इस कंपटीशन के दौरान कई बार मुझे ऐसे सवाल पूछे जाते थे जो मुझे भला ना आता हो, लेकिन इंग्लिश में पूछने की वजह से मुझे वो सवाल समझ नहीं आता था, जिसकी वजह से मैं काफी दिक्कत का सामना कर चुकी हूँ। हालांकि मैंने अपनी इस कमजोरी को जल्द से जल्द दूर कर दिया। मिस यूनिवर्स के फाइनल राउंड के दौरान सुष्मिता सेन से पूछा गया था कि आपके लिए एक महिला होने का मतलब क्या है। उस दौरान ये सवाल अंग्रेजी में पूछा गया था। सवाल ना समझ में आते हुए भी उन्होंने बड़े ही समझदारी से इसका जवाब दिया था। सुष्मिता सेन ने जवाब देते हुए कहा, महिला होना आसान नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है जिसकी सराहना हम सभी को करना चाहिए। एक बच्चे की उत्पत्ति से लेकर सभी का केयर करना सब कुछ एक महिला करती है, यही महिला होने का मतलब भी है। उनके इस जवाब को सुनकर सभी जज ने उनकी काफी तारीफ की थी। सुष्मिता सेन कहती हैं कि उस समय मैं केवल 18 साल की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंग्रेजी में हाथ तंग होने के बावजूद सुष्मिता ने हार नहीं मानी और 21 मई 1994 को सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का टाइटल जीतकर पूरे भारत का नाम रोशन कर दिया था। और अब तो सुष्मिता फटफट इंग्लिश बोलती हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।